अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस स्टार इम्तियाज पाकिस्तान जनाब अताउल्लाह खानी सा खेलवी। क्लैप के साथ लाला जी आपके लिए। ये मेन्यू में नहीं था लेकिन फिर भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा इसका। बड़ी देर से हमें इंतजार था आपका। ये स्टूडियो से बाहर इस तरह करता फिर मजा आता। खान साहब पहले तो ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी। पहला सबो जनू ने मोहब्बत नहीं रहा, कुछ कुछ संभल गए हैं तुम्हारी दुआ से हम। क्या लगे बस जैसे ले चांस मिल गया। हमेशा इस बात पे क्यों आपको इस तरह तंग करता रहता है? नहीं उसे हक है तंग करने का मेरी आदतें देखकर। लाला ये बताइए आपको सितारा इम्तियाज भी मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1991 में आपको मिला था, 27 साल लगे और उसके बाद दोबारा एक इतना बड़ा आपको एजाज मिला, कैसी फीलिंग होती है? असल में तो ये फीलिंग है इनको देख के जो मोहब्बत मिलती है वो इन वार्ड में कहाँ मिलती है। अच्छा मेरे असल वार्ड तो मेरे चाहने वाले हैं। ये तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब अभी मैं हॉस्पिटल में था और किसी दुश्मन ने ये खबर उड़ाई कि खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हो गया, तो उस रात जो मुझे मोहब्बतें मिली दुनिया के हर कोने से, मुझे मेरे चाहने वालों ने फ़ोन किया, मुझसे मिले नहीं, मुझे शायद लाइव देखा नहीं, उसके बावजूद इतनी दुआएं इतनी मोहब्बतें, खाना काबा में बैठ के मस्जिद नबवी पे बैठ के, तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। बेशक बिल्कुल अल्लाह। मुझे इस अवार्ड की अहमियत इसलिए मुझे ज़्यादा लगती है कि इस बार आपकी पसंद के लोगों से आपको ये अवार्ड मिला। इसमें थोड़ी सी मैं आपकी वो तस्दीक कर दूं कि ये अवार्ड 14 अगस्त को अनाउंस होते हैं, देते 23 मार्च। जी बिल्कुल। ये अनाउंस पिछली हुकूमत ने किए थे और इस हुकूमत से नवाजा गया। बावजूद इसके कि आपने पिछली हुकूमत को डराया कि जब आएगा इमरान, उन्होंने आपको फिर भी अवार्ड दे दिया। बस ये तो अल्लाह की करम नवाजी है, किसी के दिल में आ गया। तो आप इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पिछली हुकूमत का? पहली बात तो ये है कि मैंने अर्ज किया कि असल अवार्ड तो मेरा ये। बिल्कुल। ते पाकिस्तान ठीक कर देंगे या गाना पड़ेगा जब जाएगा इमरान? तुम भी लिख के बैठो मैं भी लिख के बैठा। अभी मुश्किल वक्त है यार, ना हिम्मत हार, अच्छे दिन आएंगे यकीनन आएंगे, बड़ी बड़ी कौमों पे भी बुरे वक्त आते हैं, हौसला जो रखते हैं वो ही जीत जाते हैं। हो जितनी बड़ी दीवार गिर जाएगी आखिरकार, अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छा। अला आपको यही गाना सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठ के हाथ मिलाया, यही शायद उम्मीद की किरण ढूंढ रहे थे जो कि आपने उनको दोबारा गा के दी। उसकी मोहब्बत है वो वैसे भी मुझे ज़रा मुख्तलिफ तरीके से मिलता है, आज से नहीं 35-36 साल हो गए हमें शौकत खानम से ये ताल्लुक़ रिश्ते, वैसे तो मियाँ वाली से ख़ानदान एक है लेकिन मुलाकातें बहुत कम हुई, लेकिन जब से शौकत खानम लाहौर शुरू हुआ तो मुलाकातें ज़्यादा होती रहीं। पूरी दुनिया में डोनेशंस के लिए हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा शौकत खानम की डोनेशंस और उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। लेकिन साड़ी दुआ है कि तुसी के अच्छे दिन आएंगे आ जाएंगे भाई जान, नहीं तो पेट्रोल जितना महंगा हो गया मैं गड्डी बेच के खोता रेड़ी बना ली, यकीन कर यकीन करो रेड़ी में बाहर खिला रही है खोता में नाल लेंगे। बात सुनो लाला एक ये बताइए ये क्या मसला है इसके साथ कि जब यहाँ पे इस तरह को खाती हैं खातून तो ये अजीब, यानी कि हर किसी को फॉलो कर रहा होता है, इसको कामयाबी कब हासिल होगी? कामयाबी आज लाला जी आए दुआ करेंगे। अच्छा। लाला क्योंकि मेरे सीनियर शादीशुदा ने लाला ये नल तो नहीं ना तो डाल चला उन्होंने तस्वीर ट्रकों पीछे बनिया तेरी कमरे च घर दे बच्चे नहीं लान देंगे। मेरा ये मानना है कि हाईवे के ऊपर ट्रांसपोर्ट जो होती है इस पर जब तस्वीरें बनना शुरू हो जाए तो आप एक और
लेवल के मोहब्बत के ऊपर होते हैं आवाम के अंदर। मतलब ये एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है कि एक या जनरल अयूब साहब मरहूम की तस्वीर हमें नजर आती है ट्रकों के ऊपर और एक आपकी नजर आती है। कैसा लगता है जब आप खुद अपनी तस्वीर देखते हैं कभी हाईवे पे जाते हुए ट्रक के पीछे बनी हुई? ये एक मोहब्बत का इजहार है उनका। मगर वो ट्रक वाला आपको कभी नहीं मिला, उसने सिर्फ आपकी आवाज सुनी हुई है? मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी मुझे नजर आता है मैं रोक के उसे मिलता हूँ, बहुत खुश होता है यकीनन। जो मुझे साथ साथ लिए फिरता है जब मुझे लाइव देखता है तो यकीनन उसकी खुशी दुआ देता है, मोहब्बत करता है। ज़बरदस्ती करीबी किसी कैफ़े पे, किसी जो होटल होते हैं उन पे बैठा के चाय पिलाता है। आजकल तो सेल्फी का दौर है, उसके पास मोबाइल ज़रूर होता है, तस्वीर भी बनाता है वो। आप सॉरी कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आप सिर्फ ट्रक की बात करें, पूरी दुनिया में जो सुविनियर्स की शॉप होती हैं वहाँ पे अगर पाकिस्तान के लिए आप कुछ मांगने जाओ कि पाकिस्तान का सुविनियर क्या है तो इनकी सीडी मिलती है वहाँ से। वाँ, 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 ये पूरी दुनिया की बात है, तो आप खाली ट्रक की बात करें। खान साहब, जब इस तरह के सिंगर आपको मिलते हैं, और सिंगिंग के अंदर एक मसला ये है कि हर बंदा ही सिंगर होता है अपनी तरफ से, तो कुछ उसमें से होते हैं जो कि शो भी कर देते हैं मेरे जैसे कि हम सिंगर हैं, तो आप क्या कहते हैं? मतलब जो आपको पता भी चल रहा होता है कि ये नहीं है इसकी आवाज़, या किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन मगर लाला फिर भी एक हकीकत गायकी चीज़ होती है। गायकी में दो चीज़ों का बहुत अमल दखल है, बेसिकली तो टैलेंट ना हो तो आप जितनी कोशिश कर लें आप सिंगर नहीं बनते, लेकिन लय और सुर का इतना शऊर होना चाहिए। मगर अगर फर्ज करें कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी लय है ना सुर है ना ताल कुछ भी नहीं और वो कह रहा है सिर्फ एंकर ही रहे, बेसिकली अल्लाह ने उसमें ये टैलेंट डाला ही नहीं जो बुनियादी ज़रूरत है एक सिंगर के लिए, तो कैसे सिंगर बन सकते? अब मुझ में जो इस बच्ची में टैलेंट है मुझ में नहीं है, आप मुझे लाख किताबें पढ़ाएं मैं जज नहीं बन सकती, मैं वकील नहीं बन सकती। इसी तरह सिंगर बनना भी बहुत मुश्किल। और आप ऐसे उस वक्त बता रही थी कि आप गाना जो वो तो आपने कहा कि वो तो मैनली गाना है वो नहीं, आप कौन सा गाना पसंद करती हैं इनका? I'm so sorry, मुझे उसका भूल गया है। वो एक इनका था वो बिल्ली चढ़ गई गिलासा थी, ये तो प्यार ये कौन सा है? अब मैं ढूंढ के रहूंगी। लाला का तो कुछ पता नहीं, लाला कितने गाने आपके माशाल्लाह? बहुत गाया, 95 से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। वाह वाह, 95 से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है उनका। रेडी वन 1 2 3 4 मुबारक होवे जी। किस चीज की? 100 दा कार्ड ते 5 दी कटौती, जिथों दी खोती ओथे आण खड़े। देख रहे मेरे बदल गया पाकिस्तान, बिरा तुहाडे दी ड्यूटी भी बदल गई। किधर? फवाद चौधरी साहब दे नाल। अरे वाह, इमरान खान साहब ने स्पेशल किया भी तू नाल 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 ए दे। अच्छा हां, क्योंकि उन्हां नूं तकरीरां दी आदत पै गई है ना, ते साइंस टीचर लग गए ने। साइंस टीचर नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लगे वो। हां, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लग गए ने। हां, आजकल मैं उन्हां दे नाल तजुर्बे कर रहे हैं। तजुर्बे? असी उन्नी देर तक तजुर्बे कर रहे हैं जब तक लेबोरेटरी च धमाका ना हो जाए। सर फवाद चौधरी जैसा साइंसदान आज तक नहीं जी पाया। साइंसदान जी सर, उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान वाटरप्रूफ जानदार है। कैसे? जिन्ना मर्जी ना लवे एदे अंदर पानी नहीं जांदा। अबे यार दिल बोली क्या है यार? कैमरामैन गया जिन्हें नील आर्म स्ट्रांग नु किया भाई ऐसे खलोना मैं तेरी फोटो लेनी। बहुत अच्छे। ओके, ते ओ कैमरामैन भला कौन सी? मैं तुहाडे कोल पूछ रहा तुसी मेरे को चलो तुम बताओ। फवाद चौधरी साहब सुनो, चांद पे जाने वाले पहले आदमी। That was the फवाद चौधरी, it has been त्रिगर्धाम में तलक दे। ओके, फवाद चौधरी के साथ तुमने एक्सपेरिमेंट क्या किया? बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। क्या? पाकिस्तान बदल रहा। अच्छा, तुसी यहाँ वक्त देखना, जी जी, तुसी हैरान हो जाओगे। अच्छा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ना। वो मियां इमरान खान नियाजी साहब नहीं है ये, इन्हां दी वजह तो मशहूर होए ने। यस, लाला उताला खानी सा खेल भी। यस, मैं सारा जमाना भूल जावां
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਰੇ ਵਾਹ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ, अब देख खुदा क्या करता है। इस बच्ची के ड्रामे ने, अच्छा माशाल्लाह, ऐसे सुपर स्टार टीवी दी। ओए होए होए, हां केड़े भला टीवी च काम कर दी केड़े, मैं तोड़े को पूछ रहा हूं मेरे को। ओ हर चैनल पे आ रही है। अच्छा, ते हुन ते और मुकद्दर चमक गए। हां भाई, सोने दे नाल बैठी सोने दी हो गई। ओए होए होए होए, ए साडे मुल्क दा पासे दा सोना, लाला उताउल्ला खान ईसा खेल भी दुनिया च और किधर। मेरी आड़ी देर ना बना। मैं कहना ऐसा बब्बर शेर बंदा, अच्छा अल्लाह ने पाकिस्तान को दिता, ये बड़ी खुशी। अल्लाह दे सी लाला जी, चुप कर जाना, वो भी बेचार ही है। लाला जी नवी बकरी ली। बेवकूफा, इन फजूल गल नहीं करी थी, सुपरस्टार।